व्हाट्स अप यारो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल YJ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है कुछ स्पेशल है, तो वो ये है कि हमारे 10K सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो हमारे तो बहुत बड़ी बात है। वैसे तो 10 लोग मिलियन में से भी करते हैं, लेकिन हम लोग 10 में ही बहुत खुश हैं क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी, आगे हम बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये सब आप ही लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने हमको इतना सपोर्ट किया कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो थैंक्स टू ऑल, हमारी YJ फैमिली बहुत बड़ी होने हो गई है, 10,000 की हो गई है। तो हम इस पल को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो आप लोग भी बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मेहरा जी ने सोचा था कि जब 10K हो जाएंगे तो हम लोग कहीं बाहर कैंपिंग करेंगे, तो बहुत सारा सामान मंगाया था इन्होंने, बट क्या करें, आपको पता ही है सब कोरोना हो गया है, तो ये बेचारे बहुत मुंह लटका हुआ था इनका। तो मैंने कहा यार, हमने कैंपिंग ही तो करनी है, घर से बाहर करनी है। तो आज हम लोगों ने वो सब सामान यहाँ पर ला के छत पर, बिल्कुल हम घर से अब कुछ नहीं लाएंगे, जो आ गया इसी में से हम सब कुछ बनाएंगे। तो हमारे संग तो यहाँ पे है निर्मल, जो कि ये आज हम बनाने वाले हैं रोस्टेड चिकन, उसके लिए हम कोयले तैयार कर रहे हैं। और ये मिसेस साक्षी, ये हमारी है फोल्डिंग चेयर, तो ये फोल्ड हो जाती है, इतनी हल्की पतली, बिल्कुल उसे आप कैरी करके ले जा सकते हैं। कल मैं पुरानी वीडियो में महाराज जी ने दिखाया है, तो सब देख लीजिएगा, उसके रेट वगैरह सब कुछ बताए हुए हैं। इस तरह से देखिए, बच्चे क्या बड़े भी इसमें बैठ सकते हैं। हर जगह मैं बैठ के दिखाती हूँ, मतलब ये बहुत कंफर्टेबल है, बड़े से बड़ा मोटे से मोटा मेरे जैसा भी बैठ सकते हैं। इसने देखो बच्चे को हटा दिया और अपना बैठ गई। अब बैठो, तो मैं बता रही थी, अब वो पानी की आपको दिख रहा होगा, इसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, आप कहीं भी से कैरी कर सकते हैं। ये कैंपिंग के बर्तन है हमारे, छोटे छोटे से 4 है, आपको पता भी चल रहा होगा कि सिर्फ 4 बर्तन है। तो हमारे पास छोटा वाला चूल्हा भी है जो उधर रखा हुआ है, मेरे जी इधर देखिए, ये हमारा छोटा चूल्हा है, मिनी स्टोव, छोटा सा चूल्हा, ये इसका सिलेंडर है। तिमो वेजी है, तो इसके लिए हम बना रहे हैं चिली पनीर, और हम क्या बना रहे हैं, मतलब ये खुद बनाएगी बटर नान। हाँ, बटर नान, और हम बनाएंगे रोस्टेड चिकन, और मैंने बनाया है अभी रस मलाई, तो आप सबको दिखाएंगे हम लोग सब कुछ। तो बन रही है हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है, और आज हम इसी छत पे सोने वाले हैं, तो देख लीजिए ये हमारा भी टेंट लगेगा, टेंट लगता है, टेंट है ये, अभी हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, बहुत स्पेस है, हम तीनों आज इसी टेंट में रहने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सब बच्चे कितने एक्साइटेड हैं, ये हमारा टेंट है जो 3 लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आराम से इसमें 3 लोग सो सकते हैं, और ये वाटरप्रूफ है, तो बारिश वारिश में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये टेंट हमारे पास पहले नहीं था, अभी हमने मंगाया है, इस बार मेहरा जी ने सारा कैंपिंग का सामान इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं, हम लोग सब हमें पसंद करते हैं हमारा ये सब, क्योंकि हमने जो केदारनाथ वाली वीडियोज़ में सब बनाया खाना वाना, तो आप लोग सब ने कमेंट्स किए थे कि आप इसी तरह ये सब करते रहा कीजिए, तो हम लोगों ने कहा जब हम ये सब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं, तो हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। अब मिलते हैं हम लोग, ये जब हमारा टेंट लग जाएगा उसके बाद। ये लग चुका है हमारा टेंट, और ये बच्चे तो बिल्कुल अंदर घुस गए हैं, चलो इसको बंद कर दो वरना अंदर कीड़े घुस जाएंगे। ये चेयर बहुत मस्त है यार, ये 2 और मंगानी है हमने, 2 तो मंगा रखी है, वहाँ बन रहे कोयले। ये यहाँ बन रहा है हमारा रोस्टेड चिकन, जो कि हमने उतनी देर से कोयले बनाए, कोयले बहुत अच्छे बने नीचे, और इसके ऊपर ये चिकन रखा हुआ है, सेफ है मिस्टर निर्मल, और यहाँ पे बन रहा है हमारा चिली पनीर। तो ये मिसेस तिम्मू बना रही हैं चिली पनीर, और इन्होंने यहाँ पे ये पनीर अनीर पूरा फ्राई कर लिया है, ये मसाला बन रहा है। तो थोड़ा लोगों का ये जो 10,000 हुए हैं, उसके लिए हमें बाहर कैंपिंग तो हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन था, आप भी समझ सकते हैं, हम किसी को बाहर नहीं जा रहे, सब अपने घर पे रहिए, बी सेफ, हम घर पे ही है, घर की छत पे हम लोग ये कैंपिंग कर रहे हैं, हमारा टेंट आज हम टूट के वाले हैं, ये है, काफी मजा आने वाला है, ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मजा आ रहा है। 15 मिनट्स लेट। तो ये देखिए, ये बनके तैयार हो चुका है हमारा चिली पनीर। ओह माय गॉड, वाओ, मस्त। और अब हम देखो, अगर हम कैंपिंग करते तो वहाँ पे बेलन हो सकता है लेकिन चकला नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं थाली, ताकि हमें बिल्कुल कैंपिंग वाली फीलिंग आए। हाँ, ये बिल्कुल कैंपिंग वाली फीलिंग। और यहाँ ये रोस्टेड चिकन, यहाँ पे बन रही है हमारी नान, और इसके ऊपर वो अमूल बटर लगेगा, तो ये बटर हो जाएगी बटर नान। ये देखो इस तरह से बनाया जा रहा है,
नान बिल्कुल चिपकी है तवे में, ऐसे पानी लगाया पहले फिर तेल लगाया। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो बस हम नान बना रहे हैं और चिली पनीर हमारा वहाँ बन चुका है, रोस्टेड भी बन चुके हैं, खा रहे हैं। ये है चिली पनीर और ये रोस्टेड चिकन और बटर नान। तो ये खाना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सही बात, तिम्मू बहुत मेहनत कर रही है। देखो कैसे तवा उल्टा सीधा दाएं बाएं सब जगह कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइट लगा रखी है तो यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, तो एक दो करके खा रहे हैं। थैंक यू ऑल। तो उसका एक केक छोटा सा काट रहे हैं हम लोग, तो जल्दी से हमारे जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए हम लोग आज यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। ये देखिए जो ये कैंपिंग है ना, अगली बार आपको क्या दिखेगी कि बिल्कुल आगे सामने एक व्यू होगा हिली एरिया का, माउंटेन्स एरिया का, और उसमें कैंपिंग होगी। हमने सोचा तो ये था 10,000 में हम कैसे कुछ करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। तो बस हमारा बेटा काटता है, जय केक काटो जल्दी से। जय और अर्शाली केक काट रहे हैं। ये YJ Vlogs, यो 10K, थैंक्स टू ऑल। लगता है ये पागल हो गया। 10K स्पेशल वीडियो। ये देखिए हमारा है केक। देख सबसे पहले हम सबसे छोटी को खिलाते हैं। हट जाओ। मैं तू सबसे छोटा है। तो बड़ा है। अभी हम सबसे पहले YJ ब्लॉग के संस्थापक को खिलाते हैं यार, वो मेन है। केक मेहरा जी की वजह से हम लोग खा पा रहे हैं क्योंकि इन्हीं की मेहनत। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार है, सब लोगों का प्यार है। आवाज निकाल के खाने में अलग ही मजा है। ये लोग डालते हैं। तो केक सेरेमनी हो चुकी है 10K की, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। खाना बन चुका है और खाना मैंने बताई दिया क्या क्या बनाया, तो अब जाते हैं केक काटने के बाद खाना खाते हैं। तो ये देखिए ये बनाई है मिसेस तिम्मू ने रसमलाई। उनके लिए हमारे लिए खाएगा, ये हम मेहमानों के लिए। तारीफ कर दो भैया, तिम्मू ने बनाई है। वो कब से देख रही है तुम्हारा मुंह खाने में लगे हैं, तारीफ कोई भी नहीं कर रहा। तिम्मू ने बहुत अच्छी रसमलाई बनाई है, मैं ही रह गया हूँ, मैं भी खाता हूँ। मैं तो शुरू में ही खा मुंह कर दी थी तारीफ। आइसक्रीम नहीं मिलेगी लेकिन तेरे को, ठीक है। 1 hour later ये देखिए टाइम हो चुका है 12:20। तो मतलब हो गया है नेक्स्ट डे और हम लोग की गप्पे खत्म नहीं हो रही है। हाँ। बहुत देर से हम अभी तक गप्पे मारने में लगे, अंशु भी हमारे साथ। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब 5-6 बजे हो गए शाम के। काफी अच्छा लगा हमें। ये एक थोड़ा सा डेमो था कि हम लोगों ने इतना सारा सामान मंगाया था और 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, मेहरा जी का बन था कैंपिंग का, तो हमने करा यही कैंपिंग। अब आपको बाहर कहीं अच्छे से नेचर में दिखाएंगे, तो उसके लिए डेमो था ये। तो हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया कर दीजिए सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए वीडियोस को। अंतु को ढूंढने जा रहे हैं। 10K स्पेशल वीडियो है, इस वीडियो पे लाइक होनी चाहिए सबसे ज्यादा। ये 10K लाइक का टारगेट रखते हैं। नहीं यार ज्यादा ज्यादा है, 10 20 30 40 10K सुबह। ओके बाय सुबह, बाय नेक्स्ट मंथ। तो टाइम हो गया है 6:12 और ये लोग अंशु और तिम्मू घोड़े बेच के सो रखे हैं। जय श्री राम। ज़्यादातर सामान हमने रात में नीचे पहुंचा दिया था, बस ये टेंट और ये दो चेयर रह गई हैं। हमारे घर के सामने जस्ट मंदिर है, यहाँ पे भजन लगे हुए हैं और ये सूर्योदय हो चुका है और ये है जगह जहाँ हम रहते हैं। वो बहुत अजीब सा रहा होगा क्योंकि मैं सीधे टेंट से बाहर निकल के आया हूँ। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक्स टू ऑल द सपोर्ट कि आपने इतना प्यार दिया और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं।
भी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए बिल्कुल ये पहाड़ी हमारे सामने है और वहाँ से सनराइज होता है, तो मैं ये सोचा था कि मॉर्निंग में सनराइज का एक वो टाइम लैप्स लूँ, लेकिन यार नींद नहीं खुल पाई क्योंकि कल रात बहुत देर तक उठे हैं इस वजह से। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, इनको उठाता हूँ। अभी तो उठेंगे नहीं, कुंभकर्ण के खानदान से हैं लोग, तो देखो जब भी उठते हैं फिर करते हैं आगे का ब्लॉग स्टार्ट। तो यार हो चुकी है गुड मॉर्निंग, मेरी तो पहले हो गई थी, मिसेस सिम्मू अब उठी है, अंशु भी उठ गया है। रात को 1 बजे सोए हम लोग, तो था जी गप्पे हो रही थी। मजा आ रहा था यार, सच में बहुत मजा आ रहा था। आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, आपको मजा आया होगा। तो हम लोगों ने घर पे एक छोटा सा कैंप लगाया कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे लॉकडाउन की वजह से, सेफ्टी भी रखी और अपना एंजॉय भी कर लिया। अभी भी आंख से ऐसे खुल नहीं रही है क्योंकि बहुत लेट सोए थे, और जो हमारा टेंट था वो पहले यहाँ पे लगा हुआ था, तो यहाँ पे धूप आ गई सुबह सुबह, तो हम टेंट को यहाँ पे लाए, लेकिन फिर भी अंशु उठ गया। कल रात हमको बहुत मज़ा आया, हमने नाइट कैंपिंग करी घर पे, और ये और ज़्यादा मज़ा आता अगर लॉकडाउन नहीं होता और हम कैंप टेंट सुबह खोलते और सामने एक व्यू होता पहाड़ियों का मस्त वाला। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आगे बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, कंटिन्यू रहेंगे ब्लॉग। तो चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइएगा आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल YJ ब्लॉग्स। यो आंखें भी नहीं खुलनी है अभी।